हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बिगनर हैं और यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो कुछ ऐसे बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी होगी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ आप देख सकते हैं इस आउटलुक पर वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। व्हाई लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी क्यों सीखें? इंग्लिश यदि सीखना है तो हमको इस इंग्लिश को समझना होगा कि यह एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग फोर स्किल होते हैं जिस पर हम कैसे कमांड हासिल करें। और हमें इंग्लिश को यदि स्टडी करना है और सीखना है तो हमें इसे सिक्वेंस बाय ही क्यों पढ़ें? और यदि हमें सीक्वेंस बाय पढ़ रहे हैं तो यदि हमें प्रैक्टिस करना है तो किन बातों का ध्यान रखें जब हम स्टार्ट करते हैं, हम जब एज अ बिगनर हैं, और इसे हैबिट में लाने के लिए 21 डेज को कैसे मेंटेन करें और कैसे अपने हैबिट डेवलप करें, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि डेली हमको करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे टिप मिलने वाले हैं जिससे आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। लेट्स गो। व्हाई लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश को क्यों सीखें? आपको पता होगा, यदि आप यू वॉन्ट बी अ टीचर, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पहले हम गवर्नमेंट टीचर की बात करते हैं। आपको पता होगा यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना है KBS में, तो आपको बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है। आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, कंपलसरी है कि आप तो कम से कम दो लैंग्वेज आना चाहिए। और यदि हम नवोदय विद्यालय की बात करें और यदि आर्मी स्कूल की बात करें तो उनमें थ्री लैंग्वेज, आप समझ सकते हैं कि आपको मल्टीलिंगुअल बनना पड़ता है, बहुभाषी, जो आपको दो या दो से अधिक भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी जो भर्ती होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। यदि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है प्राइवेट स्कूल में, तो इंग्लिश का इतना चलन है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी सिटीज में जो स्कूल होंगे वो इंग्लिश मीडियम में है, तो यदि आपको वहाँ टीचर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वे आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशनल स्किल ही चेक करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो नो डाउट आपसे नहीं आता है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी उनकी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वह हेजिटेट करते हैं बोलते समय। इसलिए आपको समझ में आ गया, यदि आपको टीचर बनना है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यदि आपको बातचीत करनी है, हर कोई चाहता है कि हम ऑल इंडिया और फॉरेन कंट्री में घूमें। यदि घूमना है तो एक ही लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल यूज होता है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी इतने वैरायटी के, अपने संस्कृति के कितने अच्छे लैंग्वेज हैं, परंतु हर व्यक्ति सारे लैंग्वेज नहीं जानता है, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, तो आपको कम्युनिकेट करना है उन सारे लोगों के साथ, तो इंग्लिश ही ऐसा है जो आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और रही बात फॉरेन की, तो ऑब्वियसली बात आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे और फॉरेन घूम पाएंगे, राइट? दूसरी बात, यदि आप हाउसवाइफ हैं या हाउसमेकर, तो आपको लग रहा होगा कि हम हाउसवाइफ हैं या हाउसमेकर मेंटेन करते हैं तो हमें इंग्लिश की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप सभी को पता है कि जितने भी हाउसवाइफ हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक बेहतर स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। तो आपको पता होगा जितनी भी जो टॉप स्कूलें होती हैं अपनी सिटी की, तो
बच्चे का इंटरव्यू लेने के साथ साथ वो पेरेंट्स के भी लेते हैं। वे इसलिए क्योंकि यदि हम स्कूल में कुछ होमवर्क देते हैं, वह क्या उनके पेरेंट्स कराने की काबिलियत हैं, कैपेबल हैं कि वे अपने बच्चों का होमवर्क करा पाएंगे। और साथ में आप सबको पता है कि आप मॉल जाएं या फिर कुछ भी सामान लें, उन सारे में जो भी घरेलू सामान होते हैं उन सब का नाम इंग्लिश में लिखा होता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। अब रही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो आप जानते हैं यदि कोई इंग्लिश बोलता है और अच्छे से बात करता है तो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नॉलेज बुक रीडिंग, यदि आपको इंग्लिश आती है, आप अच्छे से इंग्लिश समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं आप ढेर सारे राइटरों की बुक इजिली पढ़ सकते हैं। जैसे हमें हिंदी सिर्फ आती है तो हम सिर्फ हिंदी राइटर की बुक ही पढ़ पाएंगे, यदि आपको इंग्लिश आती है तो बहुत सारे राइटर फॉरेन इवन इंडिया सारे के राइटरों की बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत सारे राइटरों की थिंकिंग आपके पास आ सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए इंग्लिश एक माध्यम बनता है। कैंपस सिलेक्शन इन कंपनी, आपको सबको पता होगा यदि आप ग्रेजुएट करते हैं तो उसके बाद हर कॉलेज में कुछ कैंपस आते हैं, उस कैंपस सिलेक्शन में हर उन्हीं बच्चों को कंसीडर ज़्यादातर किया जाता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश में अच्छी कमांड होती है, जिसकी जीडी अच्छी होती है, जो अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कराने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बोलता है बोल पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आज अभी देखा जाए इंडिया में तो कंपनी से बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए रोजगार के लिए बहुत सारे ऐसे कंपनी आती हैं तो वे इनमें अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते समय उनको सबसे पहले रिक्वायर यही होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बेहतर हो। अब तो हमको पता चल गया कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एरियाज हैं जो मैंने डिस्कस किया। अब हम जान लेते हैं कि इंग्लिश हमारे इंडिया में का क्या बेस रूल है। तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि जो इंग्लिश है वह दो चीज में ज्यादातर डिमांड है, एक है स्पोकन इंग्लिश के लिए और दूसरी है लैंग्वेज जो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जो हम नर्सरी से लेकर कॉलेज तक, इवन कॉलेज तक या लिटरेचर के रूप में किसी को पढ़ना होता है हमें तक। तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश दो बेसिकली होता है, जिसमें एक आप सब्जेक्ट के रूप में आपको बुक मिलती है जो स्कूल में पढ़ी जाती है, स्टार्टिंग स्कूल से हो जाती है, दूसरी रही स्पोकन इंग्लिश का, जो स्पोकन इंग्लिश है जो कि हमारे एक स्किल के रूप में होती है। ये है इंग्लिश अपने इंडिया में। अब हमें इंग्लिश को पढ़ना ही है, समझना है, तो फिर हम पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब एक भाषा है। किसी भी भाषा के चार स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपको मैं एक स्टोरी नहीं स्टोरी ही कहें या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई बच्चा बर्थ होने के बाद वह समाज में आता है तो वह सबसे पहले लिसनिंग करता है, वह सारे लोगों की बातों को ऑब्जर्व करता है और सुनता सिर्फ है। जब स्टार्टिंग में सिर्फ वो सुनता ही है, उसके बाद वन वर्ड टू वर्ड्स वह बोलना शुरू करता है, और जब बोलना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसे अल्फाबेट ABCD, काउंटिंग नंबर 1 2 3 और जो पहाड़े होते हैं और अनार वाले जो अल्फाबेट होते हैं उन सबको रीडिंग करना सिखाया जाता है। देन उसके बाद उसका हाथ पकड़ के राइटिंग करना सिखाया जाता है, राइट? तो इसलिए ये जो लैंग्वेज की स्किल है वो इंटरकनेक्टेड है। इट मींस सबसे पहले लिसनिंग होती है, फिर जो सुना वही बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए रीडिंग करते समय देखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसको कैसा लिखा होता है आउटलुक बुक में, और जब हमें पता चल जाता है कि आ मतलब आ ऐसे लिखा जाता है तब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक उसी प्रकार हमें यह लैंग्वेज नया है, आप किसी भी एज के हो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो सीक्वेंस है वह हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सबसे पहले लिसनिंग करें, आप सुने, लिसन बी केयरफुली विथ प्रोनाउंसिएशन। आप इस अंडरलाइन की हुई शब्द को अच्छे से समझें, वे इसलिए क्योंकि जब आप सुने कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको स्टोरी पसंद है तो आप स्टोरी यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरी जो इंग्लिश में रहती हैं उसको सुने। न्यूज़ चैनल, यदि आपको न्यूज़ चैनल पसंद है तो आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल ही देखें और सुने। कन्वर्सेशन, यदि आपको लोगों की बातचीत यदि होती है, जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो आप उनके, अगर आपको सुनना पसंद है उन लोगों की, तो आप उनके कन्वर्सेशन सुनिए। और यदि सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप इंग्लिश सॉन्ग ही सुने। यदि आपको स्पीच सुनना है तो फिर आप ऐसे लोगों की स्पीच सुने जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपसे, इनमें से आपको जो भी पसंद है वह प्रेफर कीजिए और उन्हें सुनिए। सुनते समय बहुत ही ध्यान से और केयरफुली सुने विथ प्रोनाउंसिएशन। वो इसलिए क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पेशेंट, जनरली आप सुनते हैं वेयर इज पेशेंट, आप इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन करते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, राइट? आपको इंग्लिश में ज्यादातर यही देखने को मिलेगा कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली लिखते नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, और डेली सुनो का मतलब यहाँ लिखा है कि आप इसके मिनिमम 2 मिनट या 3 मिनट क्यों ना हो, अगर डेली सुने, प्रैक्टिस डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीकिंग, यदि आपको स्पीकिंग बोलना है तो विथ दी हेल्प ऑफ गूगल, यदि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको पढ़ रहे हैं या फिर आपको बोलना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट लिखा हुआ है, जैसे गूगल में आप इस वर्ड को लिखिए और इस टाइप का लिखा रहता है जिसमें आप नीचे जाइए और उसका ये साउंड लिखा होता है, इससे आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। हमारा जो इंग्लिश है वह हम ब्रिटिश इंग्लिश को ही पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे उनका एडवर्ब बना लिए, जैसे उनका एंटोनिम बना लिए, वही एक्सेप्टेबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे कैसे हम इस गूगल में टाइप करके इसके साउंड को सुन सकते हैं। रीडिंग, आप बिगनर हैं तो आपको जो रीडिंग करनी है वह जो होगा, आप न्यूज़पेपर, यदि आपको पढ़ना पसंद है, राइट? यदि मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, ये जो एंगल बना हुआ है ठीक इसी टाइप का होता है न्यूज़पेपर, जो स्टार्टिंग में होती है, जो न्यूज़पेपर में जो लिखे वर्ड्स होते हैं वह बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखे होते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वह लोकल ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो अभी अभी आए होते हैं, तो उनकी इंग्लिश जो होती है वह बहुत ही क्लियर और सिंपल होती है। तो आपको स्टार्टिंग का न्यूज का नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में रीडिंग करने समय रीड ओनली लोकल न्यूज, जो डी जैसे न्यूज़पेपर में आपको दैनिक भास्कर में देखा होगा, वो डीबी स्टार से रिलेटेड लास्ट का जो पेज होता है, जो लोकल न्यूज, जो सिटीज की न्यूज होती है, वही आप जो सिटीज बाय न्यूज होते हैं लास्ट में, उसी को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उनके जो सेंटेंस होता है बहुत ही सिंपल और अच्छे लिखे होते हैं, तो आप उसको इजिली पढ़ सकते हैं। स्टोरी, यदि आपको स्टार्टिंग, आप बिगनर हैं और आपको रीडिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपको स्टार्टिंग में एक बड़ी सी ऐसे ऑथर की बुक नहीं लेके बैठ जाना है, नहीं तो आपको लगेगा ये बहुत ही टफ है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फॉर नर्सरी जो क्लासेस होते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ तक, उस नर्सरी की क्लास में जो टेक्स्ट बुक होते हैं, आप सीबीएसई का ही लीजिए, उसमें जो हिंदी
में जिस प्रकार आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगता है, ठीक उसी प्रकार जो इंग्लिश की स्टार्टिंग की बुक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप इमेज में देख पा रहे हैं कि इंग्लिश की बुक है जो एनसीईआरटी की है, ये बहुत ही इजी वर्ड में लिखी होती है। तो आप ईवीएस का भी बुक ले सकते हैं, मैथ्स का भी ले सकते हैं, उस मैथ में भी स्टोरी वाइज लोगों को समझाया गया है, मतलब बच्चों को बहुत ही। और इसमें आप इंग्लिश के बुक भी प्रेफर कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड है। स्टार्टिंग में जब हमें पढ़ते हैं ना तो हमें प्रिंटेड चीज बहुत अच्छे लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि इजी होता है समझना इसलिए। और नर्सरी के बुक में ज्यादातर ये प्रिंटेड मिलते हैं विथ एक्सप्रेशन, तो आप इसको ही प्रेफर कीजिएगा जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग सिंपल सेंटेंस इन स्टार्टिंग, जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि आपको बहुत ही इजी और सिंपल सेंटेंस इन्हीं बुकों में मिल सकती है, राइट। एजुकेशन इज द इम्पॉर्टेंट की फॉर द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और सोसाइटी। आप समझ रहे हैं, एजुकेशन इज द इम्पॉर्टेंट की फॉर द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और सोसाइटी। ये जो लाइन लिखी हुई है वह कंप्लीट एक सेंटेंस है, इसका मतलब आप स्टार्टिंग बिगनर हैं तो आपको समझने में कठिन हो सकती है। इसमें लिखा है कि शिक्षा किसी भी समाज और सोसाइटी के लिए, उस संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। एजुकेशन को बताया गया है कि कोई भी समाज हो या कंट्री हो, उसके समृद्ध विकास या संपूर्ण विकास के लिए जो शिक्षा है वह महत्वपूर्ण कुंजी है। कुंजी मतलब की है, राइट। इस सेंटेंस तक अपनी कमांड हासिल करने के लिए, अपने समझ बनाने के लिए आपको इस सेंटेंस से सबसे पहले फेस करना होगा, राइट। सबसे पहले आप खुद को ही ले लीजिए और एक कंपेयर कीजिए एक चाइल्ड जैसे, राइट। सबसे पहले बच्चा एक वर्ड्स बोलना शुरू करता है, आप उसी प्रकार आप इंग्लिश में स्टार्टिंग में सिर्फ वन वर्ड्स का ही यूज कीजिए, कंप्लीट सेंटेंस एकदम से आपको नहीं आएगा। तो जैसे एक बच्चा स्टार्टिंग में पानी बोलता है तो उसकी मम्मा को समझ में आ जाता है कि यह इसको पानी चाहिए या पानी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप वाटर, यदि आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो आप वाटर बोल सकते हैं, ठीक। फिर बच्चा मम्मी पानी, फिर मैंने एक शब्द और ऐड किया मम्मी पानी, राइट। वाटर मॉम वाटर मतलब इसे पानी चाहिए, मम्मी पानी चाहिए। अब वह एक और इंप्रूवमेंट कर पाया है चाहिए, मम्मी पानी चाहिए, एक और वर्ड वह ऐड कर पाए, मॉम आई नीड वाटर मुझे पानी चाहिए। उसके बाद वह कुछ महीनों बाद, कुछ साल भर बाद वो क्या बोलता पाता है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, एक और वर्ड ऐड कर पाया है मुझे पानी चाहिए, किसी और को नहीं, मुझे, मम्मी मुझे पानी चाहिए, मॉम आई नीड वाटर, राइट। आई शब्द को ऐड किया हुआ है। उसके बाद कुछ समय बाद मम्मी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मॉम आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, वह एक गिलास को ऐड कर पाया है। उसके बाद मम्मी मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, ये एडजेक्टिव विशेषता मतलब उसे ठंडा पानी चाहिए, उसकी विशेषता बता दी कि उसे कैसा पानी चाहिए, गर्म पानी या ठंडा पानी, राइट। तो उसे ठंडा पानी, वह ठंडा शब्द को ऐड कर पाया है, मॉम आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। आप समझ पा रहे हैं कि आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपको पहले स्टार्टिंग में वन वर्ड्स, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स के सेंटेंस से प्रैक्टिस करनी है और धीरे 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 आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। वाई रीड इन सिक्वेंस, हमें इंग्लिश को जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर उठता है कि हम सबसे पहले क्या पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें। और किसी भी एक अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि हम एक सेंटेंस को समझ पाएं, तो हमें यह समझना होगा इस सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमें स्टार्टिंग में ऐसा क्या करना होगा या क्या पढ़ना होगा और कैसी प्रैक्टिस करने कि
कि इस सेंटेंस को समझ पाए। तो हम डायरेक्ट सेंटेंस में जाते हैं। ये लिखा है, मैं जाता हूँ, आई स्कूल जाता है, स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, राइट। तो आप इसको समझिए, आई क्या है, वो क्या है, गो क्या है, गो क्या है, गो क्या है, वर्ब है, टू स्कूल जो लास्ट में बचा हुआ होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट जानना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एनी नेम हो सकता है। और सब्जेक्ट में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जब भी आपको इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करना है तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें वर्ब, तो वर्ब क्या है, वर्ब भी बहुत टाइप के होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा कुछ हमें पढ़ना होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं, मोडल्स पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। तो हमें वर्ब का भी नॉलेज होना चाहिए। और बची ऑब्जेक्ट, ये जिसमें नाउन होता है और लास्ट में कुछ सेंटेंस बचे होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेट हमें सेंटेंस बनाना है। उस सेंटेंस बनाने से पहले हमें बेसिक से क्या पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमको इसे सिक्वेंस से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, राइट। हाउ टू प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करें, फॉर एग्जाम्पल आपने थ्योरी पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत वाचक सर्वनाम, राइट। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म आपको पढ़े कि दिस प्लस इज प्लस ए एन प्लस नाउन होता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इज वह हेल्पिंग वर्ब है और ए और एन एक आर्टिकल है और नाउन क्या होता है। नाउन किस, नाउन मीन्स नेम, किसी भी चीज का नेम, राइट। और दिस, दिस का मतलब होता है जो हमारे पास यह होता है, जो पास में रखी हुई सिंगुलर चीजें उनके बारे में हमें बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत करते हैं कि यह है जो नियर हो और सिंगल हो, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इज। तो यह हुआ आपका थ्योरिकल पार्ट। अगर इसी थ्योरिकल पार्ट को जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी सेंटेंस प्लीज ना लें। अपने मन से, आपको हिंदी आती है, हिंदी में आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसका प्रैक्टिस करने के लिए इजी इजी सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस लें। यह आम है, दिस इज अ मैंगो, यह आपको पढ़ लिया। यह बिल्ली है, दिस इज अ कैट, राइट। दिस इज अ पेन, दिस इज अ हाउस, यह। तो ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस स्टार्टिंग में आप लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम पे कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों से। और इसको थ्योरिकल पार्ट जो हमें बताया जाता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें, राइट। अब रही बात प्रैक्टिस की, हमें जब आप स्टार्ट करते हैं, आपका मन बना लिए कि हमें पढ़ना ही है, हमें इसके बारे में अच्छे से समझना है, राइट। तो सबसे पहले किसी, ये साइंटिफिक मतलब कहा जाता है कि किसी भी चीज को हैबिट में लाने के लिए 21 डेज इनफ होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टफ लग सकता है, बोरिंग लग सकता है और आपको शायद नो इम्प्रूवमेंट दिखे। तो आप ठहरिए, यह सभी के साथ होता है। आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें टफ लग सकती है, आपको पढ़ें तो बोरिंग लग सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोनाउंसिएशन कुछ और करते हैं, लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं, तो कंफ्यूजन होता ही है। आई कैन अंडरस्टैंड। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें इस चीज को 21 डेज तक एटलीस्ट अपने हैबिट में डालें। तो ऐसा क्या करें जो हमारे हैबिट तक पहुंच जाए। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीजों से ऑब्वियसली है आपको फेस करना होता है। चीजों को एक जगह पर रखें, अगर आपका जोश आ गया है मतलब जुनून सा है कि हमें सीखना है, तो आप जैसे पढ़ने जाएंगे
हो सकता है आपको चीजें ही ना मिले, और जब तक चीजों को ढूंढने में लग जाए तब तक आपका जुनून खत्म हो चुका होता है, राइट? तो आप एकदम से ऐसे ना करें, सबसे पहले चीजों को एक एक दिन इकट्ठा एक सेटल या फिर स्टडी टेबल पे रख लें। यदि आपने पढ़ा है और वहीं बुक को ना छोड़ें, स्टडी टेबल में वापस रख दें, तो आपको यह ढूंढने में आसानी होगी, राइट? रीड दी प्रिंटेड बुक। आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आप ना, मैंने जैसे प्रीवियस में एक पिक्चर दिखाई हुई है कि आपको प्रिंटेड बुक ही प्रेफर करें, विथ एक्सप्रेशन रहता है और प्रिंटेड बुक पढ़ने में हमको अच्छा लगता है, इसलिए आप नर्सरी वाला ही बुक रेफर करें, बहुत ही प्रिंटेड रहते हैं। चूज दी पीसफुल प्लेस अकॉर्डिंग योर टाइम। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जगह चूज करें जहां आपको रिलैक्स और कोई नॉइस बाहर का ना मिले, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। आप कभी पढ़ना स्टार्ट करें और घर में एकदम से मेहमान आ जाते हैं, किसी की आवाज आने लगती है, जब भी कोई पढ़ना स्टार्ट करे आपको डॉक्टर बात भूखने की आवाज आ सकती है, डिफरेंट टाइप के आपके नॉइसेस आपके ईयर तक आ सकते हैं, राइट? तो इनको पीसफुल जगह चूज कीजिए जहां आपको आसानी से पढ़ सकें, अकॉर्डिंग योर टाइम। आपको मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता है, आपका जब भी माइंड फ्रेश हो, आप जिस समय फ्रेश फील करें, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिसाइड करें। जनरली होता क्या है कि हम स्टार्टिंग से उठते हैं और बहुत सारे मोबाइल में सोशल मीडिया से कनेक्ट होके, और ये कुछ चीज ऐसे देखते हैं, कुछ देखना होता है, कुछ और देखते हैं, इंटरकनेक्टेड, और कहीं और हम पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो एंटीना दिमाग का मेमोरी होता है वह भर चुका होता है, उसके बाद जब हम पढ़ने जाते हैं कुछ भी चीज, तो हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। तो आप जब रिलैक्स हों और अच्छी जगह, दोनों का ध्यान रखें, राइट? चेंज योर प्लेस। आप एक ही जगह में बैठ के बोर हो सकते हैं, तो आप 3 डेज इस रूम में पढ़िए, हो सकता है तो आपको गार्डन में पढ़िए, टेरेस में पढ़िए, आपको जो, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए अपने प्लेस। और यदि आपका 6 डेज का शेड्यूल बना है, यदि आप 6 डेज इन रूल को फॉलो करते हुए अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और कुछ अपने आप के लिए कर पाते हैं, राइट? आपने कुछ पढ़ा और जो आपने शेड्यूल बनाया वह कंप्लीट किया, तो आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं। रिवॉर्ड करने का मतलब है आप थोड़ा सा भी, आपका फेवरेट कोई भी फूड बना सकते हैं, कोई भी फूड आपको जो पसंद है, खुद को कुछ भी एक छोटा सा पेन गिफ्ट कर सकते हैं। रिवॉर्ड में कोई बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, खुद को रिवॉर्ड करिए, खुद को खुश रखिए, और अपने लिए 5 सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर बेस्ट, तुम बेस्ट हो, राइट? ऐसे 5 सेंटेंस कोई सा भी खुद के लिए आप बना सकते हैं, यही आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है। डोंट आस्क वाई, ओनली एक्सेप्ट बिकॉज इज नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक साइंस। इसका मतलब समझिए कि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मत पूछिए क्यों, क्योंकि इसे ब्रिटिश में जो बना दिया गया है कि इसका वर्ब यही होगा, इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा, इसका प्रोनंसिएशन होगा, इसके एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे कि नहीं, ठीक है? तो एक दिन में हजारों वर्ड्स बनते हैं, आपको पता होगा, तो आप सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप मत पूछिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपको मोर देन क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है, यस इसको ऐसा बोला जाता है तो बोला जाता है। मेंटेनेंस गोइंग ऑन मतलब कोई भी चीज की मेंटेनेंस है, वह चल रही है, तो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसका मतलब ये होता है, क्योंकि यह कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे साइंस जो कि हम प्रैक्टिकल करें कि इसका आउटपुट कैसा आता है, हम करके देखें इसमें कैसे, और हम क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में हमेशा क्वेश्चन ही होता है कि क्यों हुआ, और हमेशा थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए हम एक से ज्यादा रिसर्च करते हैं, और देख रहे हैं आप रिसर्च होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो वैसे ही है कि इनसे कंपेयर मत कीजिए, सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए और इसे लर्न कीजिए और यूज कीजिए, राइट? आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मीनिंग,
स्किल एवरीडे, ये जो कोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको डेली 10 मीनिंग रीड करना होगा, समझना होगा। डेली मतलब डेली, एवरीडे यू डू, मीनिंग 4 स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में डेली आपको मेहनत करनी होगी। और एवरी डे मतलब डेली, इसलिए क्योंकि अगर आप 6 डे करते हैं उसके बाद आप छोड़ देते हैं 1 वीक के लिए, तो फिर आपको पिछला फिर से पढ़ना पड़ता है और नया तो पढ़ना ही है। ऑब्वियसली बात, आप कुछ देख सकते हैं कि अगर आपकी 5 मिनट में आप 200 वर्ड्स लिख पा रहे हैं, यदि आप कंटिन्यू लिख रहे हैं तो, यदि आप 1 वीक या 20 डेज का गैप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको लिखने में और अब आपकी राइटिंग और स्पीड दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप इस पे समय दीजिए, इंग्लिश समय मांगता है। और स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो कि याद रखना पड़ेगा, मीनिंग, फिर आपको सब्जेक्ट क्या है पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल क्या है, सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ब, जो वर्ब इतने सारे फॉर्म है आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, तो मोडल्स वगैरह, फिर टेंस पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन ऐसे सिक्वेंस है जो कि आप पढ़ते जाएंगे तो और आगे बढ़ाते जाइएगा, राइट। पर इन सिक्वेंस को स्टार्टिंग में पढ़िए और इजी वे में आपको इजी हो जाएगा इसको समझने में। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना यूजफुल हुआ आफ्टर 21 डे।